जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मेरी दुनिया की झलक में आप सबका स्वागत है। ये मैंने वीडियो काफ़ी टाइम पहले ही एडिट करके रखा था, पर अपलोड आज कर रही हूँ। मैं ऑटो स्टेशन चली गई थी और बस नहीं हो पाया मुझसे। तो ये मैं सब्जियों के बीज जो होते हैं ना, तकमरिया भी कहते हैं इसको, तो ये मैं भिगा रही हूँ एक चम्मच जितना। ये बहुत ठंडा रहता है। ये एक चम्मच से ना ये बिल्कुल फूल कर एक बोल जितने हो जाएंगे, और इसे लेने से काफ़ी ठंडक रहती है हमें बॉडी में। अभी गर्मी में तो बहुत अच्छा रहता है इसे लेना। तो इसे आप कोई भी जूस के साथ में भी मिक्स करके ले सकते हो, जैसे हम फालूदा वगैरह में भी इसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है अभी गर्मियों में। अगर पीरियड्स में वो ब्लीडिंग की भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इसे ले सकते हो, कंज्यूम कीजिए। इसके साथ में आप मिश्री जो होती है ना वो भिगा दीजिए, जो डली वाली मिश्री आती है वो, और ये मिक्स करके आप एक गिलास पी लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ब्लीडिंग में आप देखेंगे कि आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा उसे। बाकी का मैं स्टोर करके रख रही हूँ एक बोल में। आपने देखा था मैंने लास्ट वीडियो में मूंग भिगाए थे और फिर मैंने उसे स्प्राउट करने के लिए रख दिया था स्प्राउट मेकर में। वो अच्छे से स्प्राउट हो चुके हैं, मैंने उसे स्टोर करके फ्रीज़र में रख दिया है। अब मैं आज सैलेड बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ककड़ी टमाटर और मैंने एक आधी केरी ली है। अभी केरी अच्छी आ रही है, खट्टी केरी, तो मैंने बस आधी केरी ले ली है साथ में। अब मैं सब मिक्स करके इसका सैलेड बना कर रेडी कर दूँगी। बस मैंने छोले बना दिए, भटूरे बना दिए। बस आज का लंच यही है, छोले भटूरे और सैलेड। तो मैंने ये बस जितना चाहिए उतना ही हम लेंगे, बाकी का हम फिर से फ्रीज़र में स्टोर कर देंगे इसे। अभी मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और एक ही बॉईल लूँगी इसका। इसे हम ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, एक ही बॉईल में ये काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। मैंने इसका एक बॉईल लिया है। अगर आप ऐसे कच्चा सलाद भी बनाएंगे इसका तो बहुत अच्छा लगेगा, वो भी अपनी अपनी चॉइस है कि अगर आप उबला हुआ लेना चाह रहे हो या आप इसे रॉ ही खाना चाहते हो, ये अपनी चॉइस है। तो बस मैंने हल्का सा नमक डाल के इसे उबाल लिया था। ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाती है। बस अब मैं इसका सैलेड बना दूँगी, इसमें ककड़ी टमाटर और केरी मिक्स करके। फिर जब मुझे इसे सर्व करना रहेगा ना, तो उस वक्त मैं इसमें आप काला नमक या सेंधा नमक, जो भी आप नमक यूज़ कर रहे हो, बस वो थोड़ा सा डालिए, हल्की सी काली मिर्च डालिए। और बस अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं नहीं डालूँगी। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स और वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो बस अब मेरा बिल्कुल लंच डन है। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी, इतना ही मैं डालूँगी। तो चलिए मैं लंच सर्व करती हूँ सभी को, फिर आपको मिलती हूँ शाम में। प्रीति जोड़िया का जूसर है, मैंने इसके पहले भी इसके बारे में मैंने डाला है अपने एक वीडियो में। काफ़ी अच्छा जूसर है ये। देखिए ये मैं इसमें अभी वाटरमेलन का जूस बना रही हूँ। इसमें क्या बीज बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो बिल्कुल अलग से वो छानने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका नोज़ल भी साथ में अटैच होता है, नोज़ल के थ्रू हमें पूरा लिक्विड जूस मिल रहा है। बहुत अच्छा जूसर ग्राइंडर है ये, एक्चुअली ये फूड प्रोसेसर है,
इसमें ये इसे मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ अपने किचन में, बहुत यूज़फुल आइटम है ये। तो बस ये मेरी जूस बिल्कुल रेडी है वाटरमेलन का, देखिए काफ़ी बड़ी ग्लास भर के जूस बन गया है। मैं इसे दो ग्लास में डिवाइड करूँगी, थोड़ा सा आइस डाल दिया मैंने एक ग्लास में और थोड़े से वो मैंने सब्जियाँ के बीज जो अच्छे से फूल गए हैं तो इसलिए मैंने दो चम्मच जितना डाल दिया इसमें। और ये वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन तो ऐसे भी बहुत ठंडा रहता है, प्लस ऊपर से सब्जियाँ के बीज, यानी आप समझ सकते हो कि जूस कितना ठंडक करेगा हमारे पेट में जाकर। ऊपर से मैंने थोड़ा सा आइस और डाल दिया है और एक स्पून जितना और सब्जियों के बीज डाल दूंगी मैं इसमें। कितना अच्छा दिख रहा है ना, इसे रेड में बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हल्के हल्के से स्पॉट्स जैसे। चलिए इसे मैं दे देती हूँ इन लोगों को। बालकनी में आ गई थी थोड़ी देर, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, हवा अच्छी चल रही है, शाम हो गई है ना, थोड़ी सी ठंडक भी हो गई है बाहर। देखिए आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, काफ़ी दूर ऐसी मिट्टी वगैरह भी उड़ रही है, थोड़ी धुंध जैसी हो गई है बहुत दूर। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, थोड़ी देर पहले तक तो इतनी गर्मी हो रही थी, धूप तेज थी, पर अब एक बिल्कुल हल्के हल्के बादल आ गए, अच्छा लग रहा है मौसम। ये मेरी दूसरी वाली बालकनी की तरफ मैं आई तो मैंने देखा कि मेरे एक बेडरूम के विंडो पे एक कबूतर बिल्कुल दुबक के बैठ गया है। एक्चुअली उसने वहाँ पे एक घर अपना घर बनाया है, घास वास उसने सब डाल के अपना घोंसला बना दिया है, देखते हैं कितने दिन वो रहता है। ये देखिए ये भी डर के मारे, हवा बहुत तेज़ चल रही है ना, दुबक के बैठ गया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबसे अभी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियोस को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हल्का फुल्का नाश्ता कर रही हूँ मैं शाम को, तो चाय वाय पीऊँगी और फिर डिनर की तैयारी करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।